पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हॉल जॉर्डन को लेते हैं। हाँ जी, हेलो हरे भाई, कैसे हैं? ठीक भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी वो वीडियो देखी थी, इमरान खान वर्सेस मोदी वाली। तो फिर ऐसे मैं अपना बताऊं तो फिर ऐसे छोड़ या फिर जैसे मैं अपना दोनों का डिफरेंस बताऊं तो फिर ऐसे मोदी का मैं देखता हूँ कि मैं हर जगह जब भी जितनी स्पीच होती है उनका उतना रिलीजियस फैक्टर नहीं आता है। ऐसे बीजेपी के जितने लोअर जितने मिनिस्टर्स हैं उनमें उनको वो काफ़ी सारे हैं, ऐसे योगी आदित्यनाथ हैं या फिर कर्नाटका के जितने सारे हैं उनको अलग अलग करते रहते हैं, भाषण आते रहते हैं उनके। हाँ, बट ऐसे मोदी जी का मैं आता हूँ उनसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं उतना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ कि मतलब कि जितने उनकी स्पीचेस थी एज स्टूडेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था उनकी स्पीचेस ने। तो मतलब कि ऐसे ज़्यादातर इंडियंस का मैं देखता हूँ, अपने दोस्तों को काफ़ी सेम व्यूज मिलते हैं कि ऐसे उनको ऐसे कुछ साल पहले कुछ महीनों पहले जब वोट करना था, हाँ, सबका ही डायलेमा था कि मतलब कि जितनी बाकी गवर्नमेंट्स हैं इंडिया की उनमें उनमें वैसी लीडरशिप नहीं दिखती है। ऐसे आपने शायद इमरान खान की वो देखी होंगी, UNGA की स्पीच सुनी होगी आपने, सुनी है? वो जनरल असेंबली की, हाँ 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 तो उसमें भी स्टार्ट करते हैं उनमें हर स्पीच के पहले उनका बिस्मिल्लाह रहमान रहीम निकल आता है। हाँ, जबकि और कि मोदी का देखा जाए तो उनका मतलब काम की बात करते हैं, कैसे चैनल से वो कम कर सकते हैं। हाँ, आपने देखा ही है? जितने क्रिटिक्स होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, यहाँ वो सीधे देखे बिना सीधे चले जाते हैं मोदी पे। मुझे लगता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि मेरे साथ जड़ वो है ही नहीं। और मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि मतलब कभी उनसे कुछ छोटा सीधा बयान निकला हो, होता है तो सीधे 2002 पे आ जाते हैं। हाँ, और वही जितना जो उनको जो सही मोटा सीधा कहते हैं उनको उन पर कुछ इंतजाम रखते नहीं और वही एकदम खुला खुलेआम फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है? तो नो, इसमें आप ये कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं नवाज शरीफ को। हाँ, इमरान खान अनस्क्रिप्टेड स्पीचेस करता है इसलिए उनके मुंह से ज्यादा बातें निकल जाती हैं इधर उधर। तो उसी तरह जिस तरह और उनका फिर वो बॉर्डर मिला देते हैं जर्मनी जापान का और काफी उनके स्लिप अप्स होते हैं क्योंकि ही डजंट डू रिटन स्पीच, वो रिटन स्पीच नहीं करते। मोदी जी रिटन स्पीच करते हैं, एवरीथिंग कैलकुलेटेड होती है, स्पीच राइटर होता है। नहीं, ऐसे ऐसे IITs में जब आए थे हमारे यहाँ तब जो उनकी स्पीच थी जिसमें मतलब जो उनकी मुझे काफी सारे वर्ड्स भी याद हैं, तो उसके शायद तो मुझे लगता है कि आई थिंक बिना वैसे ही थे और बताया था मतलब कैसे। मेजॉरिटी ऑफ इट आर टेलीप्रॉम्प्टेड, बट नथिंग रॉन्ग विद दैट। मैं तो ये कहता हूं इमरान खान को भी यही काम करना चाहिए बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच इट मैटर्स, लेकिन मोदी जी को ही इस तरह जज नहीं किया जाएगा। उनके जो बंदे नीचे योगी वगैरह जिस तरह की बातें करते हैं, यू हैव टू बी जज्ड ऑन दैट। क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया कभी योगी के ऊपर? वही तो, बट इसमें मेरा आर्गुमेंट ये कि जैसे कि जो उनके ऐसे लेटर्स हैं, चलो जो हिंदू उल्टी सीधी बातें करते हैं उन पे नहीं करते हैं, बट जब जब मुस्लिमों का भी उल्टा सीधा आता है तो उस पर भी तो कुछ नहीं कहते हैं। मुझे लगता है कि मतलब कितने मुसलमान उनकी पार्टी में है जिन्होंने इस तरह की उल्टी सीधी बातें की है? उनकी पार्टी में नहीं किया बट दूसरी पार्टी बात कर रहा हूँ। दूसरी पार्टी में वो क्या कर सकते हैं? वो तो फिर आपका पॉलिटिकल टर्मोइल हो जाएगा, वो तो आपका पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगा। मैं आपको एक मतलब मैं एक सेकंड आपको लॉजिक नहीं समझ आ रही। मैं मेरी पार्टी
का अगर कोई बंदा कोई गलत बात करता है तो मैं उसको डिसिप्लिन करता हूं, ये मेरे बस में है, ये मेरे कंट्रोल में है। मेरे अपोनेंट की पार्टी का बंदा अगर कोई गलत काम करता है तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना, हमारी पुलिस में माठी है, खराब है, नहीं है, पकड़ते हैं, विच हंटिंग करते हैं, नहीं करते, वो पॉलिटिकल इशू बन जाता। लेकिन जो मेरी अपनी पार्टी में करता उसका तो जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं ना, वो तो मैं कर सकता हूं ना, वो तो नहीं करते ये। ये हाँ, ये पॉइंट काफी वैलिड होगा। अगर मुझे लगता है कि अगर ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला अगर अपनी ये चीज सही कर लें तो मतलब मैं कहूँगा कि मतलब ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ ऑल टाइम। जैसे देखिए, जैसे आपने उस मोदी मोदी से इमरान खान वाली वीडियो में आपने कहा था कि पहले आपको लगता था कि जैसे कि इंडिया आगे जा रहा है, चंद्रयान लॉन्च हुआ था, मंगलयान लॉन्च हुआ था। हाँ, ऐसे इस समय बता, वो इस समय होता ये रहेगा बात अभी करें भी, वो होता रहेगा अभी इस भी, समय बट ये जो पैरेलल काम चल रहा है दैट डजंट साउंड गुड। मतलब मैं पॉइंट ये चले कह रहा हूँ कि जैसे अगर मैं एक बस एक चीज और, हाँ वैसे मेरा पॉइंट ये कि मतलब कि अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं पास में जाके मतलब मोदी गवर्नमेंट को हटा दूंगा, मतलब उनकी उनकी गवर्नमेंट से काफी ज्यादा पॉजिटिव व्यू है। हाँ, बट मैं कहूँगा जैसे कम्युनल हार्मनी एकदम उतर फुतर हो गई है, वो नेगेटिव हुआ है। मतलब कि मैं उनको ऑल्टरनेटिव चूज करने की ऑल्टरनेटिव सोचता हूँ, तो बाकी चले, जितनी गवर्नमेंट सब उल्टे फुलटे हैं तो उसमें क्या ही कहें, उसमें थैंक यू कुछ चेंज थैंक यू, दिखता ही नहीं। चलिए चले ठीक है, थैंक यू। बाय। ओके, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।